வணக்கம், திஸ் இஸ் ஹைதர் அலி சையத் ஃப்ரம் அசீவகம், யுனைடெட் அண்டர் தமிழ் சேவா. क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 33 आ गया. क्या लिखा है? अली इमरान, फैमिली ऑफ इमरान. हाँ, अबू बकर अल शफी. 33 बोले क्या? हिंदू डॉलर टू प्रॉब्लम एंड नो द फैमिली ऑफ इमरान. हाँ, अबव ऑल नेशन, अबव ऑल मैनकाइंड. हाँ, अब 34 उसके आगे अली आयत पढ़ो. 34 Descendant some of them from others and Allah is hearing and knowing. Descendant of some of the other. ये point अलग out करें. Descendant of, देखो आदम की आदम है, वहां पे नोआ है. नोआ किसकी ब्लड लाइन का है? सीच अल इस्लाम के से, बाइबल बिब्लिकल टर्म में सेट आता है, SCTH. हाँ, और सेट जो है आदम के तीसरे बच्चे का नाम है, वही शिवा है. आदम के तीसरे बच्चे का नाम जो है शीश है. काबिल, हाँ काबिल, आबिल सेट. हाँ, खोल करके मार के भगा दिया. तो जितने भी गोरे लोग हैं ये काबिल की नस्ल के हैं. आदम काला है. 15:26 खोलिए, उसमें लिखने मिलेगा. 15:26 चैप्टर 15 वर्स 26 खोलो. आदम का रंग बता, उसमें लिखा हुआ. तो शिवा इज द वन जिसको अल्लाह ने कहा, जिसको अल्लाह ने पूरा दीन सिखाया है. वी कैन कॉल हिम द फाउंडर ऑफ इस्लाम. बाकी रेस्ट ऑफ देम इज अ फॉलोअर. अभी आप चैप्टर 42 वर्स 13 खोलो. चैप्टर 42 chapter number 42 verse 13:13 Ashura. उसमें 13 में क्या लिखा हुआ है? Ashura. हाँ, chapter 42 verse 13:13 God chooses. हाँ, he has ordained which he had commanded to Noah. हाँ, and which he has revealed to you, O Muhammad. हाँ, आगे. And what we have enjoyed upon Abraham and Moses and Jesus. Enjoyed. To establish the religion and not to be divided therein. Okay. आगे. Establish का मतलब क्या है भाई? अभी देखिए, पहली बात तो यहाँ जो देखिए, जितने भी पैगंबर है प्रॉफेट मोहम्मद से, जितने भी पहले पैगंबर है नूह तक, ऑल आर फॉलोअर ऑफ समवन. ओके. अब इसमें इस जो आयत में क्या है कि तुम लोग वही दीन पे फॉलो कर रहे हो जो दीन नूह अलैहिस्सलाम फॉलो करते थे. उसमें से पैगंबर का नाम भी आ गया, इब्राहिम, इस्माइल, इब्राहिम का नाम आया, ईसा का, मूसा का, सबका नाम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना. अब नूह अलैहिस्सलाम किसके ब्लड लाइन से है? सेट की ब्लड लाइन के है ना, तीसरे आदम के, तीसरे शीश के ही है, तीसरे बच्चे के ही ब्लड लाइन से है. शिवा. हाँ, तो शिवा के ब्लड लाइन, कोई शिवा को जो अल्लाह ने दीन दिया था उसी दीन को सब फॉलो कर रहे हैं. साफ लिखा है कि नहीं लिखा है? तो प्रॉफेट मोहम्मद इज नॉट द फाउंडर ऑफ इस्लाम, इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम. इज अ फॉलोअर, इज अ फॉलोअर, इज अ फॉलोअर. एवरी वन इज अ फॉलोअर. और जो फाउंडर है ऑफ इस्लाम इज शिवा. तो स्कूल ऑफ थॉट जो है, अभी हम जो स्कूल ऑफ थॉट में फॉलो कर रहे हैं, कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, सूफी है. आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ फादर थे. बाकी चैप्टर 2:30 खोलो, इसमें आपको पता चल जाएगा. शीश की प्रोफेसी, शिवा की प्रोफेसी दुनिया बनने से पहले ही आ गई थी. चैप्टर 2:30 सूरह बकरा आयत नंबर 30. चैप्टर 2:30. हाँ, उसमें आपको मिल जाएगा आंसर. तो कहने का मतलब ये है कि नमाज जो हम पढ़ते, अभी अभी नमाज की बात मत कर, अभी नमाज की बात मत कर, ये अभी जो शिवा को स्टैब्लिश करना है पहला वो समझो. चैप्टर 2:30 खोलो. चैप्टर 2:30 रिचुअल में हम बाद में आएंगे, पहले ईमान तो सही कर ले.
क्योंकि पांच चीजें हैं, अल्लाह को ईमान रखना, उस सब किताबों को ईमान रखना, सब पैगंबरों को ईमान रखना। अब हम लोग चैप्टर टू वर्स 33:0 क्या लिखा हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर बात किया, वो लिखा है ये नहीं हाँ कि हम दुनिया में हम दुनिया में नायब भेज रहे हैं, एक वाइस चेयरमैन भेज रहे हैं, खलीफा भेज रहे हैं दुनिया के अंदर। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह तो फिर से ऐसी चीज बना रहा है जो खून खराबा करेगा, हम तो तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह का जवाब देते, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते, यही इसका मतलब यही है ना। हाँ, और जो उसके पहले क्या लिखा हुआ है कि मैं दुनिया में नायब भेजने वाला हूँ, वाइसरॉय भेजने वाला, सक्सेसफुल अथॉरिटी भेजने वाला हूँ दुनिया में। ओके लिखा है ना, पढ़ेगी नहीं पढ़े तो वो दुनिया। हाँ तो दुनिया में जो वाइस पहला वाइसरॉय कौन है दुनिया में, आदम को तो मिट्टी से बनाए और मिट्टी आसमाने बनी जो भी है दुनिया, और फिर उसके बाद पहला नायब जो पहला वाइसरॉय एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन है, शीश सैतान तो कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर वजीर वजीर शिवा है ना, शिवा पहला इंसान कौन है दुनिया में, वजीर पहला इंसान जो आदम भी है, आदम है लेकिन वो वजीर नहीं है। यहाँ जो वर्ड आया कि दुनिया में मैं नायक बनाऊंगा, एक मैनेजर बनाऊंगा, सक्सेसफुल अथॉरिटी रहेगा, सक्सेसफुल यानी उसके ब्लड लाइन से पूरे लोग आएंगे। अब नूह अलैहि सलाम किसकी ब्लड लाइन से है, वो शीश अलैहि सलाम से, शीश यानी सेठ यानी शिवा, तो शिवा के ब्लड लाइन से मुर्गान आए हुए हैं। तो सब ये ब्लड लाइन है ना, एक ही ब्लड लाइन है। तो ये जो पहला नायक पहला खलीफा जो है या पहला एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन है, शिवा है ना। हाँ पहला खलीफा जो अल्लाह का है वो खलीफा शिवा है, और उसी के नाम से पांडित डायनेस्टी निकला हुआ है। हाँ तो आप किसी भी तमिल से पूछोगे पहला सिद्धा कौन, पहला ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बोले पांडे शिवा का, शिवा पहला संगम किसने बताया, तो शिवा बोलेंगे, शिवा उस पांडे संगम का राजा है। अब ये पहला सिद्धा जो है, फिर जो तमिल लोग बोलते पहला सिद्धा शिवा है, इसका आपको जवाब कुरान 96 खोलो, चैप्टर 96। हाँ शिवा से बोलते हैं, वो शिवा करके नाम नहीं है ना, आदम तो एक ही है ना, आदम तो एक ही है। हाँ दस 15 आदम होते हैं तो हम बोल सकते भाई ये इंडिया का आदम की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के आदम की बात हो रही है, अमेरिका के आदम की बात हो रही है। अभी जो भी बातें हो रही है वो तमिलनाडु के ही आदम जो श्रीलंका में आए, तमिलनाडु में फैमिली बड़ी, पहला संगम भी तमिलनाडु में ही आया, तो उसी का भी जिक्र हो रहा है ना। कुरान ये बोलता है वादे तो भरोसा भी करते हैं, नहीं अभी पहले बाद में आएंगे, पहले 96 हुआ खोलिए चैप्टर 96, अभी मैं इसमें 96 वर्स 1-5 पढ़िए, 1-5 नहीं कुरान आप रख लो। हाँ name of Allah, the entirely most, to say the name of Allah who created man from a clean person. Abhi fetus ke bare mein aa raha hai, maa ke pet mein jo uterus hai, jo fetus hai uske bare mein bhi kar raha hai, aur cleansing first hai, yani ki jo leech ki tarah jo khoon sat karta hai wo to fetus hi hai na. Ha plot ha plot is work. Ha 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 aage badhiye, we call the Lord with the most generous, we call by pen. का मतलब क्या लिख रहे हैं, मतलब अल्लाह ने अभी क्या है, देखिए जितना भी डिस्कशन आदम से हुई जन्नत में वो ओरल लैंग्वेज में हुई थी, ओरल लैंग्वेज था, यहाँ रिटन फॉर्म अल्लाह ने किसको सिखाया, हवा के पेट से जो बच्चा आया उसको सिखाया। तो ये पहला बच्चा जिसको अल्लाह ने कलम से सिखाया वो तमिल शिवा है, पहला सिद्धा। हाँ तो आप देखो यहाँ नाम, अगर नाम अल्लाह लिख देगा मान, हाँ मैं लिखा अभी, आप अगर किसी भी तमिल से पूछोगे तो फिर पहला सिद्धा तो उसको पूरी नॉलेज दी, यहाँ तक कि रामा शास्त्र की भी नॉलेज शिवा को मिली है, समझ आया। तो हर नॉलेज का, हर इंफॉर्मेशन, हर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितनी भी सब्जेक्ट आप उठा लो, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, सब शिवा को दिया, और शिवा ने एक एक भाई, एक एक आदम के दूसरे बच्चों को एक एक टेक्नोलॉजी सिखाया, इसलिए तमिलनाडु में आपको
कास्ट मिलेंगे। अब किसी भी कास्ट या प्रोफेशन से पूछेंगे आपने ये टेक्नोलॉजी कहां से मिली, बोले हमारे ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन चलता था। बात समझ आया? एक कास्ट जो है प्रोफेशन है बोलते उसको, कास्ट है जैसे ये कोई तेवर है, कोई नाडा है, कोई मुगलिया है या कोई तो वो जो जितनी भी कास्ट है, जो भी एक प्रोफेशन में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, वो चीज उनको उनके बाप दादा से मिली हुई है और वो बाप दादा ने शिवा से सीखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ अल्लाह ने एक इंसान को पूरा इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन को अल्लाह ने उस आदम में, आदम के जो बच्चे शिव ने फिर उन सबको सिखाया इंफॉर्मेशन। इसलिए यहाँ जो इंडिया का जो ट्रेडिशन है ट्राइबल कल्चर में सेल्फ प्रोफेशन है, यहाँ पे बाकी दुनिया में कहीं ऐसा मिलेगा नहीं, जो कास्ट सिस्टम इंडिया में है वो दूसरी दुनिया में कहीं नहीं है। कुरान देखे लिखने की बात नहीं, कुरान एक ये जो एक रिमाइंडर है पैगंबर को। हाँ, कुरान किसके थ्रू से नाजिल हुआ? कुरान जो है अल्लाह ने नाजिल की जिब्रील से, जिब्रील को पैगंबर मोहम्मद को दिए, मोहम्मद को दिए। हाँ, उनको उन पर रिवील हुई है। जो कुरान मोहम्मद को दिए वो शीश के बारे में उसके पहले से लिखा हुआ है। देखिए कुरान जो एक बार सुनिए, कुरान जो है लास्ट एंड फाइनल बुक है। ये एक रिमाइंडर है, एक कुरान है। आप पूरी कुरान में अगर दो अल्फाज मिलेंगे आपको, चिल्ड्रेन ऑफ इजराइल और पीपल ऑफ द बुक। हाँ, चिल्ड्रेन ऑफ इजराइल का मतलब बने इजराइल की आपको 12 बच्चे जो ब्लड लाइन ऑफ इब्राहिम से है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के कजन है। हाँ, और पीपल ऑफ द बुक मतलब पहले सिद्ध आती है ब्लड लाइन। हाँ, पीपल ऑफ द बुक यानी सिद्धा, पहला सिद्धा कौन है? शिवा के ब्लड लाइन के बारे में। इसलिए तमिल बादशाह जो है केरला से ट्रैवल किया पैगंबर मोहम्मद की आर्मी में ज्वाइन हुआ, और वो जो ब्लड लाइन ऑफ इब्राहिम और ब्लड लाइन ऑफ शिवा दोनों मिल करके रोमन एम्पायर पर्शियन एम्पायर से लड़ाई की। ये है कुरान का मकसद। नहीं, सिजदा मीर यहाँ पे हुए हैं। सिजदा का मतलब क्या होता है? सरेंडर, फरिश्ते सरेंडर किया हुआ है। आज हम अगर अल्लाह ने हमको क्या बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, तो हम जो है पूरे जितनी कायनात में लोग हैं उनसे अव्वल है। हाँ, इवन जिन्नात की कौम से भी, फरिश्ते की कौम से भी हम लोग अव्वल है। हाँ, तो अब जो सबमिट, उसने सबमिट नहीं किया। भाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके सामने फैसला करो, भाव का मतलब होता है कि उबे करना। इस्टैब्लिशमेंट उस निजाम को इस्टैब्लिश करो, मतलब जो स्ट्रेट पाथ सूरह फातिहा पढ़ते हो, अल्लाह गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ कौन सा है? जिसने तुमने नियमत बख्शी, वो नियमत किसको बख्शी? शिवा को बख्शी। जिसने गजब उठाया, काबिल की औलाद को गजब उठाया, जो राह रात से हट गए। अभी यहाँ पे तीन प्रोफेशन है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट, ये लोग ने स्टेट पार्ट को छोड़ के सेक्युलर्स की पॉलिसी को, मनो लॉ को मार्केटिंग किया, इसलिए एस्ट्रे हो गए वो लोग। इस तरह कलयुगम प्रोलॉन्गिंग ड्यू टू फोर बेसिकली रिजिम डिस्गाइज एज मुस्लिम वर्ल्ड, सत्युगम पॉसिबल ओनली थ्रू स्ट्रेट पार्ट ऑफ फोर सिद्धा तमिल शिवा। नंद्री, वनक्कम।